Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. In the continuation of the terms used in the rasashastra subject, here we discuss about the bhavana, okay? That is nothing but the, in English you can say that the levigation, okay? That is nothing but trituration what we perform, okay? So let's continue with the definition of bhavana, okay? That is nothing but the definition of bhavana. In Hindi, same, that is nothing but the bhavana. So slok, first of all we have to learn the slok, and via this slok we can understand the meaning, and we can understand and we can by heart the sloka as well, okay? So let's continue with that sloka. That is, sloka is nothing but the yat churnitasya dhatvadibhi drave sampesya shoshanam bhavanam cha tanmatam vigyaya bhavanam cha nigyatate. Once again, that is nothing but the yat churnitasya dhatvadibhi drave sampesya shoshanam bhavanam tanmatam vigyaya bhavanam cha nigyatate. This sloka meaning is nothing but the yat churnitasya dhatvadibhi, yani ki dhatu ka jo koi bhi churna rahega, dhatu ke koi bhi powder form mein koi bhi cheez rahega. अगर पाउडर नहीं है तो उसको पाउडर करना है, अगर उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल करना है. वीडियो में वहाँ पे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे ये रहते हैं, उसको हम पहले यवकुट यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, बाद में फिर ट्रिचुरेशन के थ्रू उसके पाउडर बना लेते हैं. पाउडर में अगर कोई भी धातु का जो पाउडर रहता है उस पाउडर में हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड मीडिया को डालते हैं. यानी कि लिक्विड मीडिया को डालना मीन्स अगर सपोज़ अगर हमें किसी भस्म का प्रिपरेशन करना है तो भस्म के प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि जो धातु रहता है वो धातु का पहले पाउडर फॉर्म करते हैं, उसका पहले शोधन करते हैं. शोधन मीन्स उसके जो दोष होते हैं, उसके जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हम उसको पहले इट मे बी द फिजिकल इम्प्योरिटीज, इट मे बी द केमिकल इम्प्योरिटीज़, हम पहले उसको निकालते हैं. उसके शोधन के बाद हम क्या करते हैं, उसका पूट देते हैं. पूट देने के बाद क्या करते हैं, हमें उसके भस्म वाया पूट वी हैव टू फॉर्म द भस्म, ओके? वी हैव हम उसे भस्म बनाते हैं, पूट से हम भस्म बनाते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं, शोधन करने के बाद उस जो मटेरियल है, जो अपना मेटल है, उसमें उसको हम क्या करते हैं, उसका हम चूर्ण करते हैं. उसके चूर्ण में हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडिया भस्म के प्रिपरेशन में जो हमारा लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो अपना एलोवेरा, दैट इज नथिंग बट द कुमारी जो अपना होता है, घृत कुमारी हिंदी यू कैन से दैट. तो उसका हम उसका पल्प जो मिडल जो पल्प रहता है उसके पल्प को निकाल के ऐसे लिक्विड मीडिया हम क्या करते हैं, उस पाउडर को ट्रिचुरेट करते हैं. उसकी वजह से होता क्या है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, भावना बोलते हैं. तो उसकी वजह से होता क्या है कि हम किसी भी जो जो पाउडर है उसको हम वी कैन गिव एनी काइंड ऑफ शेप, ओके? एंड इट इसके जो पैलेटेबिलिटी होती है हर्बल ड्रग्स में, अगर हम किसी भी अगर मिनरल ड्रग्स से अगर उसके हम हर्बल ड्रग्स का अगर हम भावना द्रव्य यानी कि कोई भी लिक्विड मीडिया ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, पैलेटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ओके? तो दैट इज़ नथिंग बट द, उसी को हम भावना बोलते हैं. भावना तन्मतम विज्ञ भावनम च निगेतते. ये तो चूर्णितस्य धात्वादिभिः द्रव्ये, धातु आदि का कोई भी चूर्ण उसके अंदर हम द्रव्य डालते हैं. संपेश शोषणम, इतना द्रव्य डालना है कि ज़्यादा वो ऐसे सेमी सॉलिड थोड़ा सा होना मांगता है, पूरा लिक्विड नहीं होना चाहिए, ओके? तो द्रव्य संपेश शोषणम, इतना कि जितना वो सोख कर सके, ओके? दैट इज नथिंग बट द संपेश शोषणम. उसी को हम क्या बोलते हैं, भावनाम तन्मतम विज्ञ भावनाम च निगेतते. इसका जो रेफरेंस है रस तरंगड़ी, दैट इज नथिंग बट द जो ऑथर है रस तरंगड़ी का, श्री सदानंद शर्मा. ये सदानंद शर्मा और यू कैन से दैट सदानंद मिश्रा समथिंग है देर. सो सदानंद शर्मा द ऑथर नेम ऑफ रस्तरंगड़ी. द इन द रस्तरंगड़ी अध्याय नंबर 2 एंड द 49 श्लोक, नंबर 49 श्लोक इन सेकेंड अध्याय यू कैन फाइंड दिस श्लोका, ओके? सो द श्लोका वी हैव कंप्लीटेड, मीनिंग दैट इज नथिंग बट द वेन एनी पाउडर कन्वर्ट इनटू द सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर्स, वेन एनी पाउडर कन्वर्ट इनटू द सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर वाई एनी लिक्विड मीडिया कॉल भावना. जैसे कि हम किसी भी हमारा जो साधारण वर्ग उपरस और ये महारस जो हम पढ़ते हैं अपने वैसे जो कल्पना में अपने रसशास्त्र सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे महारस में अवरक वैक्रांत माक्षिक विमल अद्रिज सस्यक ये सभी जो मेटल्स होते हैं इनका हमें शोधन करना रहता है. तो ये जो शोधन करना रहता है, शोधन करते समय हम क्या करते हैं, ये मेटल का पहले चूर्ण करते हैं. चूर्ण करने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कभी नींबू यूज़ करते हैं. नींबू मीन्स यहाँ पे हम जो एक्सट्रैक्टिव ऑफ नींबू एंड दैट इज नींबू स्वरस हम यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं किसी भी क्वाथ को यूज़ करते हैं उसको ट्रिचुरेशन करने के लिए, मर्दन करने के लिए, यानी भावना करने के लिए, ओके? तो उस पाउडर को
हमारा जो भावना द्रव्य होता है उसके साथ ऐड करके हम क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो भावना द्रव्य का यूज़ क्या होता है, हम किसी भी भस्म को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे किसी भी मेटल नॉन मेटल का हम प्योरीफिकेशन उससे कर सकते हैं। तो टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द भावना, ओके। भावना इट इज़ अ प्रोसीजर, वट वी आर एडिंग दैट इज कॉल्ड एज अ भावना द्रव्य। इट मे बी स्वरस, इट मे बी क्वाथ, इट मे बी गोमूत्र, ओके, और इट मे बी द पल्प ऑफ दैट इज नथिंग बट द एलोवेरा, ओके। That is nothing but the when any powder converted into the semi-solid like structures via any liquid media, that is called as bhavana. Liquid media, it may be herbal drugs, it may be the, mainly we are using the herbal drugs such as the nimbus varas, such as the ardrak varas, such as or the pulp of anything, okay. So that is all about that bhavana. So the procedure is that called as the bhavana, okay. Next slide mein hum dekhenge isko. Here you can see that the first of all we have to make the churna, okay, of that यहाँ पे पहले जो मैंने अभी पुट की बात किया था कि अभी हम इसका भस्म करना है, तो ये भस्म बन चुका है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भस्म बन चुका है यहाँ पे पहले हम बड़े बड़े पार्टिकल जो रहते हैं इसका छोटे छोटे पार्टिकल के थ्रू हम इसका खलव यंत्र में जो अपना ये जो मूसली होता है मूसली के थ्रू हम खलव यंत्र में पहले इसको टुकड़े करते हैं, बाद में फिर उसका क्या करते हैं उसका मर्दन करते हैं। मर्दन मीन्स उसको छोटे छोटे पाउडर, ये देखिए यहाँ पे अभी पाउडर बन रहा है, यहाँ पे पाउडर बनने के बाद हम इसी के दौरान क्या करते हैं, जब पूरा वो पाउडर बन जाता है तो हम किसी भी लिक्विड मीडिया को ऐड करते हैं। लिक्विड मीडिया को ऐड करना मीन्स वहाँ पे मैंने भी बताया कि नींबू स्वरस होता है, इट में भी आर्द्रक स्वरस, इट में भी द पल्प ऑफ एनीथिंग, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे अभी छोटे छोटे पाउडर भी धीरे धीरे बनेंगे, एज यू सी दैट। तो भावना की वजह से होता है क्या कि हम हर्बो मिनरल ड्रग बनाते हैं, हर्बो मिनरल ड्रग, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स वी आर मेकिंग। तो ये देखिए अभी यहाँ पे चूर्ण बन चुका है, अभी हम यहाँ पे कोई लिक्विड मीडिया यूज़ तो नहीं किया गया, लेकिन हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे लिक्विड मीडिया ऐड कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ का शोधन करना है, किसी भी चीज़ का प्योरीफिकेशन करना है तो, ओके। तो ये देखिए पूरा चूर्ण बन चुका है, दैट इज़ नथिंग बट द हम मूसली के थ्रू उसका पूरा चूर्ण कर चुके हैं। ये पहले बड़ा पार्टिकल था, छोटे पार्टिकल से वाया खलव यंत्र में हम करते करते ये देखिए छोटे छोटे पूरा हो चुका है। तो इसी के बीच के दौरान में हम क्या करते हैं लिक्विड मीडिया को ऐड करते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे दूसरा स्लाइड देखेंगे कि जिसमें मैंने भी चूर्ण की बात किया था अभी पहले स्लाइड में। अब यहाँ पे दूसरे स्लाइड में मैंने दिखाया है कि ये वीडियो यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाला है आपको। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो पाउडर जो बना हुआ था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपना जो यंत्र रहता है, मशीन जो रहते हैं, ये मशीन क्या होता है, लेविगेशन मशीन इसको बोलते हैं। लेविगेशन मशीन मीन्स तो बड़े ग्रॉस मटेरियल यानी कि ग्रॉस स्पेक्ट्रम में हम क्या भी किसी भी चूर्ण को पहले कलेक्ट करते हैं और बाद में उसमें लिक्विड मीडिया ऐड करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे वीडियो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है आपको। ये देखिए ये लेविगेशन मशीन है, यानी भावना जो करने वाला, जो अभी इतने सारे ग्रॉस स्पेक्ट्रम में जो अपने मटेरियल रहते हैं वो हाथ से करने या फिर हम हैंड के थ्रू नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मशीन होता है, दैट इज समथिंग बट ये देखिए यहाँ पे मशीन अल्टीमेटली यहाँ पे ये परफॉर्म करता है। ये देखिए इसका ये रोलन करता है और यहाँ से ये मटेरियल अपना बैक साइड में जाता है, ओके। ये अपना बैक साइड में कंटिन्यू, देन ये टर्न हो रहा है, देन टर्न हो रहा है, ओके। तो ये जो अपना जो ये मूसली इसको बोलते हैं, ओके। तो ये वाया हैंड्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ भावना, ओके। तो भावना हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़े कंटेनर में चूर्ण को अपने कलेक्ट करते हैं और बाद में फिर एज पर नीडेड हम वहाँ पे लिक्विड मीडिया ऐड करते हैं, उसके वजह से होता है क्या कि वहाँ पे भावना, दैट इज नथिंग बट एक अच्छी तरीके से भावना परफॉर्म होता है, ओके। भावना ये प्रोसीजर का नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए खत्म हो चुका है वीडियो। तो ये अपना जो ये इसको मूसली बोलते हैं और ये अपना मशीन जो रहता है, ये मशीन रोलर के थ्रू घूमता है और पूरे जो ग्रॉस स्पेक्ट्रम यानी ग्रॉस यानी बड़े लेवल में अगर कोई चूर्ण रहता है, अगर उसका हमें कोई पाउडर फॉर्म में अगर मिलता है तो उसका अगर हमें भावना करना है या फिर भावना द्रव्य ऐड करके प्रोसीजर हमें भावना करना है तो हम एक मशीन के थ्रू करते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड में दिखाया था कि खलव यंत्र में छोटा सा एक स्मॉल क्वांटिटी में लेके उसमें कोई लिक्विड मीडिया ऐड करके तो हम क्या करते हैं उसका भावना द्रव्य ऐड करके प्रोसीजर भावना करते हैं, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो दैट इज़ इनफ फॉर द भावना प्रोसीजर, ओके। मैंने भावना मतलब बता दिया कि पाउडर रहता है उसमें कोई भी लिक्विड मीडिया ऐड करते हैं तो वो पाउडर अपना कोई भी मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। मेटल में जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं सस्य का शोधन, जो सस्य जो अपना महारस वर्ग में आता है उसका शोधन हम क्या करते हैं, सात बार हम क्या करते हैं निम्बू स्वरस की भावना देते हैं। अभी निम्बू स्वरस की भावना मीन्स हम जो सस्य का जो चूर्ण लिए हैं वो अशुद्ध सस्य का चूर्ण हम क्या करते हैं उसमें सात बार यानी कि उसको
एज पर नीडेड क्वांटिटी हम उसमें नींबू सोडा डालते हैं, मर्दन करते हैं, जब तक वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता है तब तक मर्दन करना है हमें। बाद में फिर क्या करना है, फिर से लिक्विड मीडिया ऐड करना है नींबू सोरस, ऐसे टोटल ड्राई करना है, देन अगेन वी हैव टू ऐड द नींबू सोरस, ऐसे टोटल वी हैव टू परफॉर्म द इन 7 टाइम। तो नंबर ऑफ भावना इट मे बी वेरी फॉर वेरियस मेटल सच एज स्वर्णमाक्षी का जब हम शोधन करते तो उसमें हम 21 बार निर्वाप करते हैं, तो उसके बाद अपना स्वर्णमाक्षी का जो शोधन होता है उसके लिए हम ये निर्वाप करते हैं, एंड देन सस्य का जो शोधन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं 7 बार भावना करते हैं, एंड ऐसे सो अलग अलग मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उसका शोधन हम नंबर ऑफ भावना प्रोसीजर से हम उसका शुद्धिकरण या फिर प्योरिफिकेशन करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट भावना। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।